आज के वीडियो में हम बात करने वाले सीटेट जनवरी 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको घर बैठे अपने मोबाइल से कंप्यूटर से कैसे बिना किसी गलती के स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता देंगे, शुरू से लेकर अंत तक फीस पेमेंट तक कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सीटेट जनवरी 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन का, लेकिन आप सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि न्यू यूजर है। तो यहां पर देख सकते हैं, आपको देखने को ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उसकी हेल्प से आपको लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना है। तो बिना गलती के वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का टैब आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। यहां पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, इसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद यहां पर देख सकते हैं पेपर वन के लिए कितना फीस है, पेपर टू के लिए कितना फीस है, दोनों के लिए आप भरेंगे तो कितना फीस है यहाँ पर दिखाया गया है। एक बार फीस बता दूं, यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर आप यहाँ पर एक पेपर अप्लाई करते हैं तो 1000 का पेमेंट करना होगा, दोनों अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1200 का करना होगा। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एक पेपर के लिए 500, दोनों के लिए 600 का पेमेंट करना होगा। बाकी डिटेल आप देख लीजिए। कंप्लीट बात करेंगे यहाँ पर कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो देख लीजिए रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का नेम है, आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम है और मदर्स नेम आपको फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डेट मंथ और ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर यहाँ पर जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप एक आईडी आपको सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा आईडी दिया गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इसके अलावा बैंक पासबुक, राशन कार्ड, इसके अलावा अदर कोई आपके पास आईडी कार्ड है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। तो सिंपली इसमें से अगर आप आधार कार्ड देना चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड देना चाहें तो पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड फोटोग्राफ पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद ए आईडी नंबर आपको फिलअप करना चाहे तो आप आधार नंबर फिलअप कर दीजिए या पैन नंबर फिलअप कर दीजिए। पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर या अपने विलेज का नेम फिलअप कर लेना है। इसके बाद सब लोकेलिटी में आपको अपने एरिया का नाम, यहाँ पर लोकेलिटी में जो आपका तहसील है उसका नेम इंटर कर लीजिए और इसके फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कंट्री आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया, और इसके बाद यहाँ पर स्टेट जिस स्टेट के रहने वाले सेलेक्ट कर लीजिए उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, जो भी आपका स्टेट है सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड आप इंटर कर लीजिए और इसके बाद एक ईमेल आईडी आप फिलअप कर दीजिए जो कि ईमेल आईडी एक्टिव हो और उसको दोबारा से रिकन्फर्म करके इंटर कर लीजिए। ये जो है जरूरी है, सही से आप इंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एक फिलअप करेंगे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और दोबारा से कन्फर्म करने के लिए उसको फिर से री इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आना है, आपसे पूछा जाएगा आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम है तो सेम एज पे क्लिक कर दीजिए। आपको दोबारा से फिलअप नहीं करना होगा, अलग अलग है तो दोनों अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है यहाँ पर आपको बताया गया, चलिए दिखा देते हैं किस प्रकार का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं आपका जो पासवर्ड होगा यहाँ पर मिनिमम 8 करेक्टर और मैक्सिमम 13 करेक्टर का होगा। उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और उसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस प्रकार से आपका पासवर्ड होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड यहाँ पर सक्सेस होगा। तो चलिए एक पासवर्ड मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपको याद रहता हो। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट स्कूल का नेम या जो है आपके पड़ोसी का नाम या जो भी आपका फेवरेट बुक, इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका यहाँ पर आंसर दे दीजिए। बाद में अगर पासवर्ड भूलते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है, नहीं तो कम जरूरी नहीं, इसका जरूरत नहीं है, आप इसका जो है यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद एक कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सारा डिटेल मैंने फिलअप कर लिया। इस प्रकार आपको फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा कि आप सारा डिटेल चेक कर लीजिए, सारा डिटेल ओके है तो अगर आपका ओके तो यहाँ पर इसको
तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज का ऑप्शन है, इस पर क्लोज कर लीजिए और सारा डिटेल एक बार चेक कीजिए अच्छे से, क्योंकि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, अगर कुछ गलती होगा तो करेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर ये जो टिक मार्क करने का आ रहा है कि सब डिटेल चेक करके आपको टिक मार्क करना, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये टिक करने का मतलब कि आप सारा डिटेल चेक कीजिए और सही है। फिर आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, इसके बाद यस पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको इंटर करके अपना ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। सर्वर प्रॉब्लम के कारण एक बार में आपका रजिस्ट्रेशन ना हो तो आपको दोबारा से करना है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मोबाइल पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का SMS आ जाएगा जिसमें एप्लीकेशन नंबर होगा। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद आपको फिर से लॉगिन पेज पर आना है और जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला वो एप्लीकेशन नंबर, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड इंटर करना है, कैप्चा कोड इंटर करके यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंटर कर लिया। इसके बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर साइन इन हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपका डिटेल्स होगा। यहाँ पर टोटल 3 स्टेप में यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन जो कि कम्प्लीट हो चुका है, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है जो कि अभी इनकम्प्लीट है। इसके बाद यहाँ पर फीस पेमेंट करना है। तो सारा स्टेप यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे स्टेप हैं, एक एक करके आपको पूरा करना है। सबसे पहला पर्सनल डिटेल है, इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन देना है, इसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल अपडेट कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपका नाम, ये सब डिटेल तो शो ही होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए जो कि इंडियन है, तो यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है, तो कैटेगरी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका कैटेगरी है आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर PWD कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने दीजिए, और इसको नो रहते हैं तो ये सब ऑलरेडी यहाँ पर नो रहेगा, ये सब चेक कर लीजिए। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में यहाँ पर जो है, अगर आप इम्प्लॉई हैं मतलब करेंट में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ना एम्प्लॉयड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एक कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को अब बात करते हैं। यहाँ पर अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन सिटी सेंटर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बार होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 जो कि 1 से 5 के लिए, पेपर 2 यहाँ पर जो कि 6 से 7 के लिए, या दोनों पेपर के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला है दोस्तों, जो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप बोथ पेपर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, जिसमें आप मतलब पेपर आप सब्जेक्ट चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हिंदी संस्कृत में सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेपर में चाहिए। इसके बाद आप मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर 1 से 5 के लिए, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब इन चारों ऑप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर देखते हैं। ये चारों ऑप्शन देख सकते हैं, जब आप क्वालिफिकेशन इसमें देखेंगे तो ये पहले वाला, जैसे पहले इसमें 6 ऑप्शन आता था, अभी भी 6 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से आपको 4 ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पेपर 1 के लिए BEd को हटा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 4 ऑप्शन में आपको कहीं भी BEd नजर नहीं आ रहा है, तो 1 से 4 ऑप्शन में BEd नहीं है, और यहाँ पर 1 से 4 ऑप्शन दिया है, मतलब BEd वाले पेपर 1 के लिए अप्लाई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दे रहा है अप्लाई करने के लिए, जो कि BEd का यहाँ पर 5 और 6 नंबर ऑप्शन था। तो सिंपली 5 नंबर ऑप्शन था, जो कि यहाँ पर 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन हो प्लस आपका BEd हो, तो यहाँ पर 5 नंबर आप ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर BTC किए हैं, डिप्लोमा कोर्स किए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन पेपर 1 के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 है ऑप्शन, जो कि 50 आपका सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ प्लस आपका 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स है, तो आप नंबर 1 सेलेक्ट करके पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 45% के साथ यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी है और 2 साल का डिप्लोमा है, तो आप नंबर 2 सेलेक्ट करके आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 नंबर जो ऑप्शन है, ये जो स्पेशल कोर्स है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन उसके लिए है, और यहाँ पर 4 नंबर जो है यहाँ पर स्पेशल कोर्स जो डिप्लोमा का उसके लिए। तो इसमें से आप 4ों में से जो भी आपके लिए अप्लीबल है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 50% का हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डिप्लोमा है मेरे पास, तो 1 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अब 2nd नंबर है आपका ये 6 से 8 के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 8 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और ये 8वां ऑप्शन का क्या मतलब है यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास डिग्री है। तो अगर आपने BEd कर रखा है तो यहाँ पर जो
देख सकते हैं आपको बीएड के लिए अलग अलग ऑप्शन दिया है। अगर आपका नॉर्मल बीएड है तो यहाँ पर सिंपली दो नंबर का ऑप्शन है जो कि 50% के साथ आपके पास ग्रेजुएशन हो। अगर आप और उसके अलावा बीएड के फाइनल ईयर में है या पास आउट है तो दो नंबर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेशल कोर्स है बीएड का तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा कोर्स आपके लिए लागू होगा, यहाँ पर 7 नंबर या 6 नंबर जो भी आपके लिए अप्लीएबल हो। और इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया तो पहला नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा किया तो एक नंबर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आपके लिए अप्लीएबल हो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, मैं एक नंबर इसमें भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि पेपर टू में आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑफर किया जाए, तो यहाँ पर सिंपली मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस का ऑप्शन है, तो इसमें से जो आपके लिए सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आपने कौन सा क्वालिफिकेशन पास किया है, डिप्लोमा किया है या मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन, तो सिंपली डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा क्लिक कर लीजिए, दोनों किए तो दोनों पर कर लीजिए और डिग्री किए तो डिग्री पर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे एग्जामिनेशन सेंटर, 4 एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले उसका स्टेट और उसके बाद सिटी का नाम जो है आपको प्रेफरेंस में देना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एक कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया तो पास है या अपीयरिंग है, तो अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, पास है तो पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर पास है या अपीयरिंग है तो किस ईयर में पास होंगे या किस ईयर में पास हुए सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोर्स का नाम आपने जो सेलेक्ट किया था यहाँ पर तो आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली मैंने डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, तो यहाँ पर सभी आ जाएंगे। अगर नहीं है तो अदर का ऑप्शन आएगा, अदर पर सेलेक्ट करेंगे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम या बोर्ड का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम। इसके बाद परसेंटेज, यहाँ पर रिजल्ट मोड किस प्रकार का आपका सीजीपीए में या परसेंटेज में सेलेक्ट कर लीजिए। अगर परसेंटेज में है परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको टोटल नंबर, कितने नंबर का पेपर था, कितना नंबर आपने प्राप्त किया, परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको यहाँ पर दे देना है और एक कैप्चे कोड को फिलअप करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, आपका ये डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड का। तो फोटो यहाँ पर देख सकते हैं आपको अच्छा ऑप्शन दिया है, 10 से 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, तो आप अच्छे क्वालिटी में फोटो अपलोड कीजिए। यहाँ पर 200 केबी बहुत होता है, 200 केबी के अंदर आपको अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, गैलरी ओपन होगा, फोटो सेलेक्ट करेंगे, उसको क्रॉप करना होगा, क्रॉप करेंगे नहीं तो ओरिजिनल मोड में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से फोटो अपलोड होकर शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सामने अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और आपका यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे सिग्नेचर देख सकते सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ओके पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ऐसे ही आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर के लिए भी यहाँ से क्लिक करेंगे और सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं सही अपलोड हुआ कि नहीं। और इसके बाद सिग्नेचर का जो साइज यहाँ पर 4 से 30 KB रखा गया, 30 KB से कम, 4 KB से ज़्यादा होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। एक कैप्चा कोड फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा कि सारा डिटेल चेक कर लीजिए, इसको क्लोज कीजिए और सारा डिटेल अच्छे से चेक कीजिए, सब ओके होना चाहिए क्योंकि बाद में करेक्शन का मौका नहीं मिलता है, तो सब डिटेल सही से फिलअप होना चाहिए, सारा डिटेल चेक करिए। चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोटो सिग्नेचर और यहाँ पर टिक मार्क करना है। तो एक एक टिक मार्क करने का मतलब है कि सारा डिटेल आपका करेक्ट है, एक एक करके सारा डिटेल चेक कीजिए और इस पर टिक मार्क कर लीजिए कि सब ये सब आपका डिटेल सही है, तो चेक करने के बाद ही टिक मार्क कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए मेरा सब ओके, तो मैं टिक मार्क कर लेता हूँ। इसका नीचे आएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एस पे क्लिक करना है, आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। देख सकते हैं ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है दोनों स्टेप। अब फाइनल स्टेप बचता है यहाँ पर फीस पेमेंट का, फीस पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर सिंपली बताया था आपको पेपर वन के लिए जनरल और ओबीसी के लिए फीस जो था 1000 रुपये था, और एक पेपर के लिए और पेपर दोनों पेपर के लिए 1200 है, वहीं रिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 और 600 फीस है। तो जो भी आपका फीस होगा यहाँ पर सो होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन यहाँ पर, एडिट एप्लीकेशन, अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वेरीफाई ईमेल और क्लिक हियर टू ईमेल फर्स्ट। तो सिंपली यहाँ पर पेमेंट करने के पहले ये बता रहा है कि आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो सिंपली वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा, ईमेल आईडी शो हो रहा है, यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिलअप कर, मतलब ईमेल आईडी आप कन्फर्म कर लीजिए ओके, क्योंकि ईमेल आईडी सही होना चाहिए ओके, तो ये कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर ओटीपी इंटर करने के लिए आपके ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर ओटीपी इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। ओटीपी नहीं जा रहा तो रीसेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं रीसेंड भी किया लेकिन अभी ओटीपी नहीं आया, तो सिंपली आपको थोड़ा वेट करना है, ओटीपी चला जाएगा। और उसके बाद ओटीपी ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपका फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए, बाद में इसका जरूरत पड़ सकता है। इस प्रकार बड़े आसानी से आप सीटेट जनवरी 2024 का घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होने तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।